क्या हुआ? हाँ क्यों? हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे सब लोग? सब बढ़िया ना? तो गाइस आ चुके हैं एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ। गाइस आज का मौसम देख रहे हैं, सबसे पहले भाई क्या सही मौसम है। कल बारिश हुई है, आज सुबह भी बारिश हुई है, तो क्यों ना सुबह सुबह एक राइड बनती है, तो चलते हैं राइड मार के आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले तो हम कमेंट रीड कर लेते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। उस पर सबसे पहले तीन कमेंट किसके आए थे? फर्स्ट नंबर पर जिसका कमेंट आया है वो है एक्स वुनेस, और सेकंड नंबर पर जिसका कमेंट आया वो है तनवीर कुरैसी, थर्ड नंबर पर जिसका कमेंट आया है वो है चेतन ब्लॉग। तो गाइस ये थे तीन लोग जिन्होंने लास्ट वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया है। तो अभी मैं वीडियो ब्लॉगिंग से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लॉगिंग की तरह स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आज ओनली मोटर ब्लॉग होगा। आपको कैमरे के पीछे से ही आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा। तो बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई चलो राइड प्लान करते हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि गाइज मैंने राइड ना अभी कैंसिल की है, बरसात का मौसम है और रिस्क नहीं लेना चाहता। और आपको भी बोलता हूं कि आप भी सुरक्षित रहो भाई, थोड़ी कम राइड किया करो और नजदीक जाया करो, ज्यादा दूर मत जाया करो, ठीक है? सबको मैं यही बोलता हूं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाओ, वीडियो शूट करो, एंजॉय करो। तो गाइस अभी निकलते हैं और बाइक की हालत आप चेकआउट करो भाई। तो इतनी गंदी बाइक ना मैंने आज तक नहीं रखी, बहुत टाइम हो चुका है मैंने इसे वॉश नहीं किया है। अगर बरसात का टाइम हो फिर भी मैं वॉश कर देता हूँ, पर इस बार मैंने इसको वॉश नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आराम से और यहाँ पे चेकआउट करो। ट्रिप वन भाई पूरे 1000 किलोमीटर चल चुकी है और इसको हम जीरो कर देते हैं, ट्रिप वन को अब हम जीरो कर देंगे, ठीक है? तो ट्रिप हो चुकी है जीरो, अब निकलते हैं यहाँ से। आजकल जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ ना गाइस व्हीलीज उठाने की, भाई बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, टायर एक ही जगह पे रोटेट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं भाई, टायर भी डलवाएंगे हम, आराम से डलवाएंगे। पानी तो भाई बहुत ज़्यादा साफ आ चुका है, बहुत ज़्यादा साफ पानी भाई, ऊपर से छलांग लगाओ, नहाओ मज़े से। सबसे मुश्किल व्हीली उठाना हो गया है इस टायर से जो मैंने डाला है, और सबसे आसान हो गया बर्नआउट मारना। तो मैं ऐसे बर्नआउट लग रहा है, कहीं भी मार दो आप। इसमें सुबह सुबह वीडियो शूट करने आ गया हूँ, बारिश जैसे ही रुकी मैंने बोला चलते हैं और शूट करके आते हैं। बारिश के बाद ही तो अच्छा व्यू आता है अपने गांव का, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, बारिश के दिनों में ऐसा देखने को मिलता है। तो गाइस मैं वहाँ पे 5 मिनट रुका था, अभी मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है? तो एक और जगह है यार, वहाँ पे चलते हैं। उस जगह पे वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा सही है, तो मैं वहाँ पे जाने वाला था, पर यार घर से ना भाई की कॉल आ चुकी है और थोड़ा मुझे गुस्से में लग रहा है वो। अभी मैं सीधा घर ही जा रहा हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है। क्या हुआ? हाँ क्यों? मैंने जाना है कहीं। कहाँ जाना तूने? तू चाबी क्यों निकाल रहा है? तो कब से देख रहा हूँ भाई, मैं कब से 9 बजे से उठा हूँ, मैं 9 बजे से देख रहा हूँ कि बाइक कितनी है। तो मैंने तेरे को इतने फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? तो पता नहीं फोन इसमें होगा, वाइब्रेशन पे रखा होगा, पता नहीं चल रहा होगा। तो मैंने भी तो करनी है सूट, स्कूटी ले जा। तो अभी तो मैं स्टार्ट की थी वीडियो, अभी मैं जाने वाला था, अभी मैं थोड़ा सा ऑफ रोड करने वाला, मैंने सोचा ऑफ रोड करते हैं थोड़ा सा। यार मैं स्कूटी पे लेट हो जाऊंगा। जाना कहाँ तूने? क्या काम है? काम है। तो मैंने तो सूट करनी थी भाई साहब। ले भाई दे दे स्कूटी चाबी दे। क्या हुआ? पाइप उठाऊं, मैं 9 बजे से वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा। तो मैं तो अभी बड़ा ज्यादा टाइम लगना था, क्योंकि अभी तो मैंने सोचा था कि अभी स्टार्ट ही होगी वीडियो, मैं लेट हो जाऊंगा ना फिर। तो भी मैंने कमेंट रीड किए थे और ऑफ रोड करने जाना लग पड़ा और तेरा फोन आ गया। तूने कॉल की थी जब, तो मैंने बताया था कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर क्यों कर रहा था कॉल बार बार? बाद में 10 मिनट टाइम दे, कितना हो गया 10 मिनट के ऊपर? मैं तो स्कूटी लेके जा रहा था भाई, मैं तेरे को फोन कर रहा था कब से, तो तू यहाँ मिल गया तो मैंने बाइक ले ली तेरे से। तभी तो मैंने सूट ही नहीं की, इसकी बुरी हालत है रे, जाने वाली नहीं है स्कूटी। कहीं पे जल्दी पहुँचना हो तो बाइक बड़ी ज़्यादा सही रहती है, तो अब तो तुझे टाइम लग जाएगा। टाइम तो लगेगा। तो मैंने भी करना है, मैं क्या करूँ अब, स्कूटी पे जाता हूँ तो आगे तक जाते हैं फिर, है ना? स्कूटी की हालत भी एक तो बहुत ज़्यादा बुरी है, एक तो ऐसे स्टार्ट में नहीं होगी, ये स्टार्ट में नहीं होती है। हाँ तो कब तक आएगा तू फिर? लग जाएंगे 1-2 घंटे। हाँ 1-2 घंटे भाई बहुत हैं, 1-2 घंटे भी। दो
दोबारा बाइक ले जानी होगी ना तो पहले पूछ लिया कर कहीं जाना तो नहीं है और इतना टाइम लग जाएगा। तो मुझे पता होगा कि तूने जाना तो मैं फिर छोड़ के जाता बाइक। तेरे को फोन पे भी बताया था कि मैंने जाना है, तूने बोला मैं 10 मिनट में आता हूँ, 10 से 11 बज गए हैं। कहाँ की सही है तूने, ऑफ रोड में अब धोनी पड़ेगी मेरे को घर पे जाके पहले। ऑफ रोड में कहाँ घुसाई मैंने, अभी तो ऑफ रोड की ये नहीं स्टार्ट ही करने वाला था, ये ऐसी लगी है बारिश, सुबह सुबह बारिश हुई थी तो उसके बाद ये मिट्टी पूरी ऐसे ही लगी है और इतनी ज्यादा कहाँ ये लगी है, फ्रंट में लगी है वो टायर के कारण लगी होगी, अभी तो ऑफ रोड में मैं जाने वाला था। और भाई इसको ऑफ रोड में मत लेके जा, इसका शौक कर चला जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा मोटा ही, अब कर दे जितने होने कर दिए ऑफ रोड जितने करने थे, न्यू बाइक भी तो लेनी है कि इस पे खर्चे करने हैं सारे। मैं यही सोच रहा हूँ कि ऑफ रोड टायर चला गया, टायर तो चला गया, टायर तो इसके कारण गया है कि इसमें रोलिंग बर्नआउट भी मारे हैं, थोड़े से बर्नआउट भी मारे हैं। स्टंटिंग कम कर दे और ऑफ रोड कम कर दे, बाइक पे स्टंटिंग कम कर दे। मैं तो कम ही करता हूँ, नुकसान बड़ा होगा इसका, शोकर चले जाएंगे आगे के भी और पीछे का तो जाएगा जाएगा। वीडियो में आज के बाद ना स्टॉपी ना व्हीली ना ओवर स्पीडिंग, ऑफ रोड करना है अच्छे से रास्ते पे कर, ऐसे मतलब ऐसे खड्डों में मत लेके जाओ इसको, बारिश के दिन ना ओवर स्पीडिंग भी मत कर, रोड करना ही है तो मुझे बोल लिया कर, अकेला मत जाया कर, ठीक है? मुश्किल होती है, एक बार गिर गई तो उठाएगा कौन इसको। तो या गाइस अभी भाई तो जा चुका है और अपने पास आ गया अपना मिस्टर ब्लू, तो भाई इसमें भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब जाना पड़ेगा भाई को भी, काम है तो जाना तो पड़ेगा, मुझे स्कूटी लेके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं थोड़ी आगे तक और बातें करते हैं, आपको कुछ बताना है यार स्कूटी के बारे में। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं ना स्कूटी के बारे में कि आप स्कूटी पर वीडियो क्यों नहीं बनाते, आज आपको भी पता चल जाएगा क्यों नहीं बनाता। सबसे पहले तो ये देखो ये स्टार्ट नहीं होती है, देखो भाई क्या ही बोलें, ये ऐसे स्टार्ट होगी, हो जा लो भाई होगी स्टार्ट। तो चलो गाइज आज धूप भी भाई लग चुकी है और आज स्कूटी की टर्न है, चलो मिस्टर ब्लू। और यहाँ पे देखो भाई स्पीड इसकी जीरो रहती है, पेट्रोल यहाँ पे हाफ हाफ है भाई। ओ भाई बच गया, मैं बच गया, क्या हुआ? ये देखो गाइज ऊपर से लैंडस्लाइड देख रहे हो, पूरे यहाँ पे आ चुके हैं, तभी तो मैं बोलता हूँ गाइज, तभी तो मैं ज़्यादा राइड ही नहीं कर रहा है इसी कारण, पहाड़ों में से पता नहीं कहाँ से पहाड़ ऊपर से नीचे आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, पत्थर गिरने लग पड़ते हैं। तो गाइज आपको मैं एक जादू दिखाता हूँ इस स्कूटी में क्या है, ठीक है? तो अभी मैं एक्सीलेटर दूंगा और क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा, देखना यह देखो क्रूज कंट्रोल ऑन है, अपने आप चलती है भाई ये देखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही चलेगी ये देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्कूटी में आ गया क्रूज कंट्रोल, ये देखो बस ऐसे एक्सीलेटर देना है, ऐसे छोड़ दो चलती रहेगी, और स्पीड देखो भाई स्पीड बढ़ती जा रही है। क्रूज कंट्रोल भाई साहब, क्रूज कंट्रोल आ गया इसमें। होंडा डियो वाली फैन जो भी हैं, आज होंडा डियो पे आ गए हम और इस स्कूटी को 6 साल हो चुके हैं भाई। ये बबलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बबलिंग होती है, ऐसे 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 चलती है, और आपको इसका रीज़न बताता हूँ, रुको जरा दिख रहा गाइस, ऐसे 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 ये देखो, तो इसी के कारण ये स्कूटी बहुत ज़्यादा बबल मारती है, और इस स्कूटी में डर भी लगता है, थ्रोटल वायर भी ख़राब है इसकी, अटक जाती है जब भी स्पीड देती हो तो एक जगह अटक जाती है, जो स्पीडोमीटर है वो भी वर्क नहीं करता है, पास एक बाइक है ना तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बिकॉज मैं बाइक लेके जाता हूँ ना तो भाई के पास बाइक नहीं होती तो स्कूटी ले जानी पड़ती है, और इस स्कूटी को ले जाना तो भाई क्या ही बोलें, ये अपग्रेड करना पड़ेगा मुझे भी, एक और बाइक लेनी पड़ेगी यार, भाई के पास भी बाइक हो जाएगी, मेरे पास भी बाइक हो जाएगी, और ये स्कूटी फिर घर पे रहेगी, ज़्यादातर कुछ सामान लेके आना हो तभी इसका यूज़ होगा। फिर 15 का मॉडल है आई थिंक, 15 का मॉडल है, तो 22 लगा है भाई, 5-6-7 साल हो चुके हैं भाई, 7वां साल लगा है इस स्कूटी को। तो यहाँ पे रुकते हैं, स्कूटी को स्टार्ट ही रखूँगा, तो देख लो ये है अपनी मिस्टर ब्लू, और अच्छी है हालत इसकी, टायर भी मैंने आपको दिखा दी है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये है इसका टायर जो हमने नया डलवाया है इसमें, ब्रेजा का नया डलवाया, काफ़ी अच्छी स्कूटी है, इसके टायर जो हैं वो ब्लू कलर के टायर हैं, इसके दोनों अलॉय जो हैं वो ब्लू कलर के हैं, यहाँ पे भी ब्लू कलर करवाया मैंने, और ये कलर मैंने खुद ही किया, मैचिंग हो गया था, काफ़ी ज़्यादा सही है। और इस पे ना, इस स्कूटी पे ना गाइस स्टंट बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टंट किए हैं, अभी तो मैंने कुछ वीडियो प्राइवेट कर दी हैं, पर कुछ वीडियो होंगी इस स्कूटी पे स्टंट वाली, मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना तो इसी से किया था मैंने, चाहे ये स्कूटी ऐसे पड़ी रही घर पर मैं कभी सेल नहीं करूँगा इस स्कूटी का। तो यही थी कुछ आज की वीडियो,
वीडियो, आई होप आपको, और इतना कुछ हमें आपको इस वीडियो में दिखा नहीं पाया गाइस, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो गाइस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। इट्स हार्ड वर्क बॉयज, जय हिंद गाइस। इस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जल्दी से, यहाँ पे आईडिया आ रही है, फॉलो कर लो।